दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। पालकर में देखिए, बिहार में बेरोजगार युवाओं को सरकार देती है बेरोजगारी भत्ता, ऐसे करें आवेदन। जी हां देखिए, अगर आप 10वीं या 12वीं पास बेरोजगार है और बिहार में रहते हैं तो आपको बिहार सरकार प्रति माह 1000 रुपए महंगाई भत्ता देती है। वहीं आपको बता दें कि इस योजना का उद्देश्य राज्य के शिक्षित युवाओं को छोटी छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद करना है। वहीं साथ ही सरकार जानती है कि राज्य में अवसर की कमी है और सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि हर युवा को रोजगार दे सके, इसलिए युवाओं को तब तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है जब तक उनकी नौकरी नहीं लगती। भाई देखिए, बिहार में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए पहली शर्त यह है कि आवेदक के पारिवारिक आय 3 लाख या इससे कम होनी चाहिए। दूसरी बात, आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष तक होनी चाहिए। भाई देखिए, बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पर आपको विकल्प मिलेगा जिस पर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए कुछ शर्तें रखी गई है जिसमें आवेदक के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है, वह बिहार राज्य का नागरिक होना चाहिए, लाभार्थी के पास मूल निवास होना चाहिए, आवेदक कर्ता के पास उसके 10वीं 12वीं या उसके उच्च डिग्री के सारे शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होने जरूरी है, आय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है। अगली बड़ी खबर में देखिए, मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी ने की जारी। जहां देखिए, मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सुशील कुमार मोदी, नित्यानंद राय, मंगल पांडे, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर प्रेम कुमार सहित 40 स्टार प्रचारकों की सूची कल बीजेपी ने जारी की है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर 3 नवम्बर को चुनाव, वहीं 6 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे भी सामने आएंगे। मोकामा और गोपालगंज सीट पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। गोपालगंज से भाजपा ने कुसुम देवी को टिकट दिया है। वही बड़ी खबर में देखिए, बिहार उपचुनाव में आरजेडी के लिए प्रचार नहीं करेंगे जगदानंद सिंह, स्टार प्रचारकों की लिस्ट से नाम गायब। जहां देखिए बड़ी खबर, बिहार के गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं है। वही देखिये, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी से नाराजगी की खबरों के बीच जगदानंद सिंह उपचुनाव में प्रचार नहीं करेंगे। साथ में देखिए, आरजेडी के स्टार प्रचारकों में लालू परिवार से तेजस्वी के साथ तेज प्रताप यादव का नाम भी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों के नाम फाइनल कर दिए हैं। नीतीश सरकार में आरजेडी कोटे से अधिकतर मंत्री दोनों सीटों पर प्रचार के लिए जाएंगे। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी व पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बेटी एवं सांसद मीसा भारती प्रचार नहीं करेगी। बड़ी खबर में देखिए, शराबबंदी मामलों में अब तक 1 लाख से ज्यादा की गिरफ्तारी, टॉप पर पटना, रोहतास अंतिम पायदान पर। जहां देखिए बड़ी खबर, बिहार में इस साल जनवरी से लेकर अब तक शराबबंदी मामले में पुलिस विभाग ने 1,09,565 लोगों को गिरफ्तार किया है। वही देखिए, सबसे अधिक गिरफ्तारी पटना में हुई है। टॉप 5 जिलों में नालंदा, बांका, भागलपुर और बक्सर शामिल है। वही नालंदा दूसरे, बांका तीसरे, भागलपुर चौथे और बक्सर 5वें स्थान पर है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने सूबे के सभी 38 जिलों की रैंकिंग जारी की है। इसमें पटना, नालंदा सबसे पहले स्थान पर और रोहतास अंतिम पायदान पर है। बड़ी खबर में देखिए, गंडक पर उफान के कारण गंगा का जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं गोपालगंज, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। वहीं 5 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। जी हां देखिए, नेपाल में बारिश से बिहार में बाढ़ जैसे हालात है। गंडक के किनारे बसे निचले इलाकों में पानी भर गया है। गोपालगंज, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण के बड़े इलाकों में बड़ी आबादी बाढ़ का पानी भरने से प्रभावित हुई है। साथ ही देखिए, गंगा का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। इधर मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में बारिश और बिजली को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। आपको बता दें कि गंडक बैराज के बाद बुधवार को कोसी बैराज के भी 56 में से 25 गेट खोले गए हैं। इस कारण सुपौल, सहरसा के कई इलाकों में नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ रहा है। बक्सर में गंगा नदी का जलस्तर 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ रहा है। वही देखिये, आस पास के इलाके डूब चुके हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। वही लोगों की फसलें तबाह हो चुकी है, घर डूब चुके हैं, वो पलायन करने को मजबूर है। वही देखिये, मौसम विभाग ने आज बिहार के 5 जिलों में बारिश और बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया।
किया है, जिसमें भागलपुर, जमुई, मुंगेर, बांका और खगड़िया शामिल है। वही राज्य भर में पछुआ का प्रभाव 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा का बना हुआ है। साथ ही देखिए मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में 18 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान लो प्रेशर एरिया की वजह से आसमान पर हल्के बादल छाए रहेंगे। बड़ी खबर में देखिए, अब देश भर में अपनाया जाएगा बिहार का बिजली स्मार्ट मीटर, केंद्र ने बनाया रोल मॉडल। जी देखिए बड़ी खबर, बिहार के स्मार्ट मीटर को लेकर बिहार अब देश भर में रोल मॉडल बन गया है। अब देश के सभी राज्यों में बिहार के तर्ज पर स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर अपनाया जाएगा। वही देखिए केंद्र सरकार ने अब सभी राज्यों को यह मॉडल अपनाने को कह दिया है। दरअसल शुक्रवार को राजस्थान के उदयपुर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें देश भर के ऊर्जा मंत्री शामिल हुए थे। वही देखिए सम्मेलन के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने बिहार के स्मार्ट मीटर मॉडल की आलोचना की। इतना ही नहीं, उन्होंने देश भर में बिहार मॉडल को अपनाने की बात भी कह दिया है। आगे देखिए रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है, पटना जंक्शन पर बदल गया टिकट काउंटर, यात्रा करने से पहले जरूर पढ़े। जी हाँ, पटना जंक्शन से अनारक्षित टिकट लेकर यात्रा करने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। पटना रेलवे स्टेशन पर अनारक्षित टिकट काउंटर का जगह अब बदल दिया गया है। यहाँ का अनारक्षित टिकट काउंटर अब यात्री प्रतिचालक के साथ कर दिया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह काउंटर पटना जंक्शन के पश्चिमी छोर पर आरक्षित काउंटर के पास हुआ करता था। वहाँ पर अनारक्षित टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को टिकट लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता था, इसी वजह से इसके जगह को बदल दिया गया है। वहीं देखिए मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनारक्षित काउंटर की जगह बदलने को लेकर लोगों द्वारा कई बार राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर से अनुरोध भी किया गया था। यात्रियों द्वारा अनुरोध किया जा रहा था कि अनारक्षित टिकट काउंटर को पहले की तरह ही नीचे कर दिया जाए, जिससे बुजुर्गों एवं दिव्यांग को टिकट के लिए परेशानी न उठाना पड़े। लोगों द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद सांसद ने रेल प्रबंधक से इस बात की शिकायत की थी। वही देखिए राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर के अनुरोध पर रेल प्रबंधक द्वारा कार्रवाई की गई और पहले की तरह ही अनारक्षित टिकट काउंटर को प्रतिचालक के पास ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया। इस टिकट काउंटर में पहले की तरह ही 12 खिड़कियां बनाई गई है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 75% उपस्थिति वाले स्टूडेंट को सरकार देगी पैसे, जाने किस छात्र को मिलेंगे कितने रुपए। जी देखिए राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए एक बड़ी खबर है। चालू वित्तीय वर्ष के मुख्यमंत्री बालिका या बालक पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, साइकिल योजना, किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना और बालिका प्रोत्साहन योजना की राशि अगले पखवाड़े के अंत तक बच्चों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 4,380 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। वही देखिए शिक्षा विभाग ने कक्षाओं में छात्र छात्राओं की 75% उपस्थिति की रिपोर्ट सभी 38 जिलों से मांगी है। वहीं आपके जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत कक्षा 1 से 2 तक 600 रुपए, 3 से 5 तक 700 रुपए और कक्षा 6 से 8 तक 1000 रुपए मिलते हैं। वहीं देखिए बालक पोशाक योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक 600 रुपए और कक्षा 6 से 8 तक 700 रुपए मिलते हैं। वहीं देखिए मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के तहत प्रत्येक बालिका को राशि 3000 रुपए मिलते हैं। बड़ी खबर में देखिए, भारत ने 7वीं बार जीता विमेंस एशिया कप, फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया, मनाना ने बनाए नाबाद 51। देखिए बड़ी खबर, भारत ने 7वीं बार विमेंस एशिया कप का खिताब जीत लिया है। शनिवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया है। बता दें कि श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। भारतीय गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के आगे श्रीलंकाई टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 65 रन ही बना पाई। वही जवाब में भारत ने 8.3 ओवर में 2 विकेट खोकर 71 रन बनाते हुए टारगेट हासिल कर लिया। वहीं देखिए स्मृति मंधाना ने चक्का जमाकर टीम इंडिया को किताबी जीत दिलाई। वहीं मंधाना 25 गेंद पर 51 रन बनाकर नाबाद रही। बड़ी खबर में देखिए, भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से पीछे, 6 पॉइंट गिरकर 107वें नंबर पर पहुंचा। यह देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में लगातार दूसरे साल गिरावट दर्ज की गई। 2022 के लिस्ट में हमें 107 रैंक मिली थी, पिछले साल यह 101 नंबर था। इस लिस्ट में कुल 121 देश शामिल है। पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल हमसे बेहतर स्थिति में है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की रैंकिंग 99, बांग्लादेश की 84, नेपाल की 81 और श्रीलंका की 64 है। वहीं देखिए इस रिपोर्ट को लेकर भारत सरकार ने कहा कि गलत जानकारी देना ग्लोबल हंगर इंडेक्स का हॉलमार्क लगता है। सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत की छवि खराब करने के लिए की गई कोशिश साफ देखी जा रही है।
बड़ेकर में देखे देश में अब जन्म के साथ ही आधार नंबर देने की तैयारी। जहाँ देखे देश में बच्चे के जन्म के साथ ही उसे आधार नंबर देने का काम तेजी से चल रहा है। वही आने वाले कुछ महीनों में इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल 16 राज्यों में इस पर काम हो रहा है और कुछ जगहों पर जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही आधार नंबर भी दिए जा रहे हैं। वही देखिए बाद में बच्चों के 5 वर्ष और 15 वर्ष की उम्र पार करने पर उसे बायोमेट्रिक्स यानी उंगलियों के निशान और आंखों की पुतली जैसी पहचान की जानकारी आधार नंबर के साथ जोड़नी होगी। बड़ेकर में देखिए बिहार के 12 जिलों में बनेंगे पिछड़ा कन्या आवासीय विद्यालय। जहाँ देखिए राज्य सरकार ने 12 जिलों में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू व आवासीय हाई स्कूल के भवन निर्माण को हरी झंडी दे दी है। कैमूर, सुपौल, मोतिहारी, सिवान, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर जिले में ये आवासीय विद्यालय बनेंगे। वहीं देखिए प्रत्येक आवासीय विद्यालय में 520 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी। इस प्रकार इन 12 विद्यालयों में 6240 छात्राएं रह सकेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 556 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। बड़ेकर में देखिए आईआईटी कानपुर में जूनियर असिस्टेंट के 119 पदों पर निकली है वैकेंसी, 9 नवंबर तक करें आवेदन। जी देखिए आईआईटी कानपुर ने जूनियर असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी निकाली है। संस्थान ने कुल 119 पदों पर नियुक्ति करने जा रहा है। ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और योग्य है वे आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट iitk.ac.in पर जाकर लॉगिन करना होगा। उम्मीदवार ध्यान दें कि इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2022 है। वही देखिए आईआईटी कानपुर की ओर से जारी सूचना के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की ग्रेजुएशन की डिग्री होने के साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज होने जरूरी है। साथ ही उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। कर में देखिए बिहार में 1 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीदी। वही जाने इस बार कितना एमएसपी मिलेगा। जी देखिए बिहार के किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इस बार बिहार सरकार प्रदेश में अगले माह यानी नवंबर से धान की खरीदी शुरू कर देगा। वही देखिए सरकार ने इसकी तैयारी राज्य भर में अभी से शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक इस बार नीतीश सरकार ने 45 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। साथ ही आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक अगले माह यानी नवंबर की पहली तारीख से उत्तर और दक्षिण बिहार में धान की खरीदी शुरू की जाएगी। वही देखिए खरीफ सत्र 2022-23 में ए ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2060 रुपए और साधारण धान के लिए एमएसपी 2040 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वही देखिए इस साल भी पिछले वर्ष की तरह 45 लाख मीट्रिक टन धान और 20 लाख मीट्रिक टन चावल खरीद का लक्ष्य रखा गया है। वही देखिए इस बार 31 मार्च 2023 तक धान की खरीदी जारी रहेगी। इस अवधि में किसान अपने क्षेत्र के निर्धारित केंद्रों पर धान की बिक्री कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।